फ्रेंड्स, फेसबुक पे हमें जो है एक सब्सक्राइबर ने हमें जो है एक फोटो भेजा हुआ है और इस तरीके का उन्होंने जो है क्वेश्चन पूछा हमसे कि यहाँ पे एक चैनल है, ठीक है, जो कि 50 डिग्री में यहाँ पे ये इस तरीके का बेंड है, ठीक है, तो 300 mm लेंथ पे इसका जो है यहाँ पे कितना यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस रहेगा, फिर 300 mm पे यहाँ से यहाँ के कितना डिस्टेंस रहेगा, और फिर 400 mm के बाद यहाँ पे कितना डिस्टेंस रहेगा, और उसके बाद 500 पे कितना डिस्टेंस रहेगा, ठीक है। तो देखिए, ये यहाँ पे एक माइटर आपको दिख रहा होगा, चैनल का माइटर है, तो हमने शायद वीडियो बनाया हुआ है इस पे, ठीक है, मैं कंफर्म नहीं हूँ, मैं चेक करूंगा, अगर वीडियो नहीं होगा तो मैं बनाने का कोशिश करूंगा कि किसी भी डिग्री में चैनल का माइटर कैसे कटिंग करे, ठीक है, तो मैं चेक करके उसका वीडियो जो है अपलोड कर दूंगा, अगर होगा तो मैं लिंक इसमें दे दूंगा, और नहीं होगा तो भी मैं जो है बना के और फिर बाद में आपको बता दूंगा। ओके, फिलहाल क्वेश्चन उनका ये नहीं है कि माइटर कैसे बनाना है, क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि इसका लेंथ हमें कैसे निकालना है, ठीक है, तो लेंथ कैसे निकालेंगे आइए वो हम आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे मैं इसका जो है जो थ्योरी है और जो फॉर्मूला है लेंथ निकालने का वो मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो को जो है आप ध्यान से लास्ट तक देखिएगा, बहुत कुछ इसमें आपको जो है सीखने को मिलेगा। और वैसे मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहता हूँ। तो चलिए देखते हैं। और फ्रेंड्स, आपको भी अगर कोई डाउट या कोई क्वेश्चन हो तो आप जो है हमें फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, और वहां पे हमें जो है डायरेक्ट आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। ओके, फेसबुक में सिंपली सर्च कीजिए फिटर की पूरी जानकारी, वहां पे आपको हमारा पेज है वो मिल जाएगा देखने का। ओके, तो देखिये यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे करना क्या है आपको, देखिये अगर आप ऑटो कैड यूज करते हैं तो आपका जो है काम बिल्कुल ईजी हो जाएगा, और आप जो है तुरंत इसका जो लेंथ है वो निकाल लीजिएगा। लेकिन अगर आपके पास ऑटो कैड नहीं है, आपको जो है सब कुछ यहाँ पे मैनुअल करना है, ठीक है, लेआउट करके, तो कैसे करेंगे, इसका क्या फॉर्मूला है वो मैं अभी आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं एक लाइन खींच लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं 50 mm करके मार देता हूँ, 100 mm ले लेता हूँ यहाँ पे मैं 50 और इधर 100। ओके, और इसको यहाँ पे मैं 50 पे सेट करके और यहाँ पे मैं एक सर्कल मार देता हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमने जो है एक सर्कल बना दिया 100 mm का, 100 mm डाया का, कोई जरूरी नहीं 100 का, जितना आपके पास जगह है, एरिया है। मान लीजिए अगर आप यहाँ पे मान लीजिए 2 मीटर का लाइन खींचे तो आप उसमें जो 1 मीटर का सर्कल मार सकते हैं, या 2 मीटर का ही मार सकते हैं, आपका ऊपर है, जितना का आप चाहे उतना का मार सकते हैं। ओके, तो सर्कल मारने के बाद देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, हमें सबसे पहले यहाँ पे जो है ये जो लाइन आप देख रहे हैं 50 डिग्री का हमें लाइन खींचना है, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं ये आपको समझाऊंगा कि कोई भी मान लीजिए आपको लाइन खींचना है, जैसे मान लीजिए आपको मान लीजिए 60 डिग्री का एक आपको लाइन खींचना है, ठीक है, तो कैसे खींचेंगे, मान लीजिए ऐसे हो सकता है, तो यहाँ पे जो डिग्री जो मतलब बन रहा है 60 डिग्री, तो वो कैसे आप खींचेंगे, ठीक है। मान लीजिए कोई लाइन 45 डिग्री में है तो ऐसे अंदाज में आप खींच दीजिएगा, 90 डिग्री रहेगा तो ऐसे रहेगा, लेकिन किसी अदर डिग्री में मान लीजिए 20 डिग्री में है तो उसको जो है हम कैसे खींचेंगे, है ना, तो वो मैं भी आपसे डिस्कस करूंगा, ठीक है। इसके ऊपर भी मैंने जो पहले भी वीडियो बनाया हुआ है बहुत सारा, तो आप चाहे तो देख सकते हैं, आप चैनल पे जाइए और वहां पे आप प्लेलिस्ट में जाके वहां पे आर्क कॉर्ड करके कोई प्लेलिस्ट होगा, उसमें हमने जो है इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात किया हुआ है, तो वो आप वीडियो देखिएगा तो सब कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, तो फिलहाल हम यहाँ पे बातें कर रहे हैं कि 50 डिग्री में हमें लाइन कैसे खींचना है। तो देखिए ये लाइन खींच दी, अब हमें क्या करना है, इसको जो है यहाँ से हमें एक राइट एंगल इसका निकालना है, तो राइट एंगल कैसे निकाला जाता है उसके ऊपर भी मैंने जो है डिटेल में वीडियो एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आपने देखा नहीं अभी तक तो जाके देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन में मिल जाएगा, और अगर नहीं तो आप चैनल पे डायरेक्ट जाके आप जो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैं राइट एंगल में लाइन खींचता हूँ, ये हमारा जो है बिल्कुल सीधा है, आप देख सकते हैं, तो मैं क्या करता हूँ ऐसे इधर खींच देता हूँ, ये हमारे पास राइट एंगल है इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। वैसे राइट एंगल आप यूज ना करें, क्योंकि अगर ज्यादा बड़ा डाया का अगर रहेगा और अगर उसमें आप ऐसे राइट एंगल लगाएंगे तो आउट हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इस तरीके का लाइन आपको खींचना है, तो भी आप आसानी से बता सकते हैं कि ये कितना डिग्री का लाइन है। तो यहां से अगर हम 0 पकड़ते हैं तो ऐसे है, मतलब कि ये 90 डिग्री का भी ये लाइन है, तो हमें यहाँ पे 50 डिग्री का खींचना है, ठीक है, ये 0 है ये 90 है, तो 50 डिग्री का खींचना है, तो कैसे खींचेंगे, तो उसके लिए यहाँ पे एक फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे, तो वो फॉर्मूला है CF इंटू डिग्री डिवाइड 360। तो 100 का CF अगर आप निकालोगे तो CF हो जाएगा 314 हो जाएगा, ठीक है, और उसके बाद है डिग्री, तो डिग्री हम कितना यहाँ पे ले रहे हैं, 50 डिग्री ले रहे हैं, क्योंकि हमें 50 डिग्री का लाइन खींचना है, और डिवाइड
360। ठीक है, तो जब आप तीनों को जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर लगभग आ जाएगा 43.63 mm। आर्क लेंथ आ गया हमारा। ठीक है, अब आर्क लेंथ किसको बोलते हैं, ये यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये हमारा हो गया पाइप। ठीक है, 43.63 mm ये हो गया हमारा आर्क लेंथ। अब आर्क लेंथ किसको बोलते हैं, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा तो मैं बता देता हूँ। तो देखिए, आर्क लेंथ बेसिकली ये जो गोलाई जो देख रहे हैं आप, इसको हम आर्क लेंथ बोलते हैं। पूरा जो गोलाई हो गया उसको सीएफ बोलते हैं, लेकिन किसी एक भाग को मान लीजिए यहाँ से यहाँ अगर लेंथ है, ठीक है, तो उसको हम आर्क लेंथ बोल देंगे, या फिर यहाँ से यहाँ है तो उसको आर्क लेंथ बोल देंगे, तो इसी को हम आर्क लेंथ बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे फ्रेंड्स मैं एक बात बताना चाहूंगा कि हमारे वीडियो पे जो है डिसलाइक आता है ना, उनका एक रीजन ये भी है कि मैं एक ही चीज को बार बार रिपीट करता हूँ। तो भाई उन रिपीट करने का रीजन यही होता है, हमारे चैनल से बहुत सारे नए लोग भी जुड़ते हैं जिनको जो है बेसिक पता नहीं होता है, तो इसीलिए मैं जो है चीजों को बार बार रिपीट करता हूँ, ताकि जो नए लोग जब इस वीडियो को देखे तो उनको भी जो है अच्छे से समझ में आ पाए। ठीक है, तो आर्क लेंथ हमारा कितना हो गया 43.63 mm, मतलब कि यहाँ से हम टेप ऐसे गोलाई में पकड़ेंगे तो 43.63 mm जहाँ पे आएगा वहीं पे 50 डिग्री का लाइन बनेगा। ओके, लेकिन यहाँ पे हम जो है गोलाई को चेक नहीं करेंगे, हमें यहाँ पे इसका सीधा लेंथ हमें निकालना है, मतलब टेप हम सीधा पकड़ेंगे तो हमारा जो 50 डिग्री का लाइन है वो बनना चाहिए। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। तो उसके लिए हमें यहाँ पे निकालना पड़ेगा इसका कॉर्ड लेंथ, मतलब कि जो सीधा हमें लेंथ आएगा उसको हम कॉर्ड लेंथ बोलते हैं। वैसे फ्रेंड्स मैं बताना चाहूंगा कि अगर आपको नहीं पता है कॉर्ड लेंथ क्या होता है, आर्क लेंथ क्या होता है, रेडियस क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, तो हमने जो है बिल्कुल स्टार्टिंग से सब कुछ बताया हुआ है। तो आप जो है हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके सभी एक एक वीडियो को देख सकते हैं, या फिर आप हमारे ऐप फिटर की पूरी जानकारी को इंस्टॉल कर सकते हैं, तो उसमें जो आपको बेसिक से जो भी वीडियोज है वो आपको जो है देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो कॉर्ड लेंथ हमें निकालना पड़ेगा। तो कॉर्ड लेंथ निकालने के लिए हमें देखिए डायमीटर की जरूरत पड़ेगी। तो डायमीटर हमारा कितना है, 100 है ये वाला, यहां से यहां का डिस्टेंस 100। उसके बाद रेडियस, रेडियस है 50 mm। सीएफ, सीएफ है 314.2 mm। रेडियस क्या है, मतलब जो डाया होता है उसको अगर हम आधा करते हैं तो वो हमारा रेडियस हो जाता है, तो वही है रेडियस 50 mm। ठीक है, उसके बाद सीएफ है, सीएफ कैसे निकलेगा वो भी थोड़ा देख लीजिए यहाँ पे। अब बहुत सारे लोग को यहाँ पे गुस्सा आएगा कि सीएफ निकालने के लिए बता रहा है, तो फ्रेंड्स इसीलिए बताता हूँ ताकि नए लोग को प्रॉब्लम ना हो समझने में। तो 100 × 3.142 ये फॉर्मूला है सीएफ निकालने का, तो इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो 314.2 mm आ जाएगा। ओके, वैसे इतना तो आपको पता ही होगा अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं। तो सीएफ पता चल गया। उसके बाद डिग्री, 50 डिग्री है वो तो आपको पता ही है कि डिग्री यहाँ पे मतलब कितना डिग्री में, वो तो आपको पता ही होगा कि हमें 50 डिग्री में लाइन लेके जाना है। वैसे अगर आपको यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, आर्क से अगर कॉर्ड लेंथ निकालना है, ठीक है, और अगर आपको उसका डिग्री पता नहीं है, डिग्री अगर आपको पता नहीं है तो डिग्री ये कैसे निकलेगा वो भी हमने वीडियो जो है सेपरेट बनाया हुआ है। तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, आर्क कॉर्ड करके जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको वीडियो मिलेगा, आप देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो डिग्री हमारा 50 mm है, तो यहाँ पे अब मैं कॉर्ड लेंथ निकालता हूँ। तो कॉर्ड लेंथ का फॉर्मूला है साइन हाफ डिग्री इंटू रेडियस इंटू 2। तो साइन हो गया हाफ डिग्री, मतलब ये 50 है, इसको हाफ करेंगे तो 2 कर देंगे तो 25 डिग्री आ जाएगा। 25 डिग्री इंटू रेडियस, ये देखिए रेडियस है हमारा 50 mm इंटू 2। तो सबको यहाँ पे हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो सभी को हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 42.26 mm। मतलब कि अब हम इसको डायरेक्ट टेप से क्या कर सकते हैं, इसको मेजरमेंट ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से मैं टेप ऐसे पकड़ता हूँ यहाँ से और मार देता हूँ 42.26। ये देखिए ये 0 है हमारा और यहाँ पे लमसम ये आ रहा है 42.26 mm, देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट है। हम क्या करेंगे, यहां से हम डायरेक्ट इसको लाइन डोरी ऐसे लेके और ऐसे खींच देंगे ऐसे, तो अब ये हमारा, तो देख सकते हैं अभी हमारा 50 डिग्री का लाइन ड्रॉ हो गया। ठीक है, ऐसे, ठीक है, ये सब पे आप ध्यान मत दीजिए, इस पे ध्यान मत दीजिए और ये सर्कल पे, सिर्फ इस पे ध्यान दीजिए, इधर से लाइन आया और ऐसे गया तो ये 50 डिग्री में लाइन बन गया। ठीक है, अब देखिए, अब भाई का जो सवाल था कि चैनल है हमारा 150 का तो उसको कैसे हम जो निकालेंगे, तो यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना है, 150 का आपको ऐसे चैनल बनाना है। ये 150 का हो गया, मैं 15 mm ले रहा हूँ,
क्योंकि 150 हमारे पास जगह है नहीं। ठीक है, तो ये हो गया। और फिर इसको भी वैसे ही करना है। ठीक है, और दोनों को ऐसे मिला देना है। ये मैं आपको लेआउट का प्रोसेस बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये देखिए, ये बिल्कुल जो है 50 डिग्री में ये लाइन जो है हमारा, ये क्या हुआ, ये चैनल जो है ड्रॉ हो गया। अब आपको इसका लेंथ चाहिए, तो देखिए यहाँ पे हम सीधा ऐसे लाइन खींचेंगे। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से हम क्या करेंगे, 300 मार्क करेंगे। तो 300 तो है नहीं हमारे पास, 30 है। ठीक है, 30 है। तो अब यहाँ पे ऐसे राइट एंगल अगर आप रखते हो तो जो है आपको बिल्कुल सीधा मिलेगा। तो यहां से मैं राइट एंगल ऐसे पकड़ के यहां तक मिला देता हूं। ठीक है, तो यहां से यहां का हमारा लेंथ कितना आएगा वो आपको चेक कर लेना है टेप से। तो ये लगभग ये 38 mm आ रहा है। ठीक है, यहां से यहां का डिस्टेंस 38 mm आ रहा है। तो इसी तरीके से आपको जो है चेक करना है लेंथ इसका। वैसे अब यहां पे मैं कंफर्म करा देता हूं ये डिग्री 50 डिग्री है या नहीं। तो यहां पे मैं ये वाला रखता हूं, देखिए आपको पता चलेगा। देखिए यहां पे आपको दिख रहा होगा शायद, ये देखिए मैं इसको ऐसे सीधा रख दिया। देखिए यहां पे देखिए इसको, ये मैं इसको ऐसे सीधा रख दिया। ओके, और यहां पे देखिए 50 डिग्री आपको दिख रहा होगा। ये देखिए, थोड़ा जूम करता हूं मैं इसको। ये देखिए यहां पे 50 डिग्री इधर से स्टार्ट हुआ, 0 10 20 30 40 50 और देखिए यहीं पे हमारा लाइन गया नीचे से। ये देखिए, है ना। तो अब आपको कंफर्म हो गया कि ये 50 डिग्री में ही लाइन खींचा गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको किसी भी डिग्री में अगर लाइन खींचना है, मान लीजिए 10 डिग्री में लाइन खींचना है, तो कैसे खींचाएगा, अब जो है आप इस ट्रिक से आप आसानी से खींच सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो जो है बिल्कुल अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा, कुछ सीखने को मिला होगा। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।